हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदास किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी कश्मीरी कहवा की बिल्कुल ट्रेडिशनल सी चाय, जो कि बदलते मौसम में बहुत ही राहत देगी और बहुत ही टेस्टी और गुणों से भरपूर होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैं 3 कप पानी लूंगी। तो मैं आपको बता दूँ कि जितने कप आपने चाय बनानी है उससे 1 कप ज़्यादा ही हम रखेंगे, तो ये 2 कप हो गए। और इसके बाद मैं डालूंगी इसमें ये 3rd कप। अगर आपने 4 कप बनानी है चाय तो आप इसमें 5 कप पानी डालिएगा। तो यहाँ पानी को हम अभी बॉईल होने देते हैं। यहाँ मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स लिए हैं जो कि कहवा चाय में डाले जाते हैं। थोड़ी सी मैंने सौंफ ली है, 1 मोटी इलायची ली है, साथ में मैंने लिया है ये यहाँ मेरे पास कुछ मसाले हैं जो कहवा चाय में डाले जाते हैं, सौंफ, इलायची, मुलेठी, अदरक, रोज पेटल्स। 6 से 7 हमने ये हरी इलायची ले ली है, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और कुछ गुलाब की पंखुड़ियाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इलायची जो है इन्हें थोड़ा सा क्रश करके इसमें चाय में डाल देंगे। इसे मैं इसमें निकाल लूंगी और इसी तरह से हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स भी इसमें कूट लेंगे। तो मैं इसमें अदरक डाल रही हूँ, ये इलायची डाल रही हूँ, ये हमने काली मिर्च लिया है, साथ में लौंग डाल रही हूँ और ये मुलेठी। इन सबको हम अच्छे से कूट लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमने सब कूट लिया है और अब हम चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम इसमें इलायची डाल देंगे और साथ में डाल देंगे केसर के धागे। और इसी के साथ हम इसमें जो अभी हमने कूटा हुआ क्रश किया हुआ मसाला रखा था वो डाल देंगे और साथ में डाल देंगे गुलाब की पंखुड़ियां। और इसी के साथ मैं इसमें डाल दूंगी बादाम, हमने इसको क्रश कर लिया था बादाम को भी। और इसे जो है धीमी आंच पे हम पकने देंगे तकरीबन जो है 10 मिनट के लिए, ताकि जो हमारा पानी है वो 3 से 2 ग्लास रह जाए, रिड्यूस हो जाए, इवेपोरेट हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसे बॉईल होते हुए 10 मिनट हो गया है और बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। अब मैं इसमें डालूंगी शुगर, तो मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालूंगी। आप चाहें तो इसमें शहद डाल सकते हैं या फिर आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं, कोई भी ऑप्शन आप इसमें से चूज कर सकते हैं। और अब मैं इसमें डालूंगी ये टी बैग, ये ग्रीन टी बैग है। अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज आप इसे ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, इस तरह से डाल देंगे और 2 मिनट के लिए इसे हम ढक देंगे। तो गैस को मैंने ऑफ कर दिया है। तो ये हमारी कावा बन गई है, इसे सर्व कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारी कावा चाय। इसे आप केसर और बादाम के साथ सर्व कीजिए, बहुत ही अमेजिंग लगती है। अगली बार एक और इजी रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।